मेघना, मेघना जल्दी कर यार। वैसे तो मेरे ऑफिस में भी टाइम है लेकिन फिर भी मैं चिल्ला रहा हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ मेरे इंटरटेल्ड पति। वैसे तो घर और ऑफिस दोनों का काम मेरे पास है लेकिन मम्मी ने सिखाया कि पति को पालना पड़ता है। ऐसा तो ना मेरे को टाई बांधनी आती है मेघना, लेकिन तेरे हाथ से बनवाने का ना अपना एक अलग ही मजा है एंड इट्स क्यूट। हाँ बांधती हूँ बांधती हूँ, अब शादी की है तो झेलनी आई मीन निभानी तो पड़ेगी ना। यार तेरी दूसरी को मानती है पास आके बांधना, जैसे काजोल बांधती है शाहरुख को कभी खुशी कभी गम में। लेकिन उसमें तो जया आंटी ने बांधी थी ना, वो भी स्टूल पे खड़े होके। यार मेरा तो ना पूरा रोमांटिक मूड के अच्छे से मत कर। अब गुल्लू बेटा देर नहीं हो रही, देख आगे फरीदा जलाल शाहरुख और काजोल के बीच। ऐसे मम्मी देर तो नहीं हो रही है लेकिन फिर भी मैं अपनी मुंडी सीधे हिलाऊंगा ताकि इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकल पाऊं। हाँ ठीक है ठीक है, लव मैरिज की है तो अब गुड न्यूज भी दे दो, 1 साल हो गया है शादी को, समझ रही हो ना। समझ रही हूँ मम्मी जी कि आपके टाइम पास के लिए हमें जबरदस्ती रोमांस करना पड़ेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरी फेक चाय गैस पे जल रही है। बॉस ने भेजा कि सारे डाटा की पीपीटी और एक्सेल शीट बना दियो और भेज दियो भाई ईओडी। तूने बताया नहीं भाई, बॉस ने तेरे को अपना जवाई बना लिया। ये अफवाह वाला गुप्ता फैला रहा है ना इसकी। अबे ओ गुप्ता क्या ना बाद में तोड़ियो, पहले बता दे नौकरी मैं तेरी करता हूँ या बॉस की। भाई आज के दिन संभाल ले यार, श्रेया ने मिलने के लिए बुलाया। श्रेया ने मिलने के लिए बुलाया, साले पाव भाजी में एक्स्ट्रा बटर और रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा भाव है ना, दोनों ही हानिकारक होते हैं। मुझे क्या ज्ञान दे रहा है भाई तू, तेरी खुद की लव मैरिज हुई है ना, कितना लकी है यार तू। लकी मैं भी यही समझता था। आइए महाराज आइए, ये कलीज आपकी सेवा में हाजिर है। अरे क्या बात है मेघना, आज तो बड़ी मूड में लग रही है तू। मूड में तो हूँ लेकिन मार के। हाँ, किंकी किंकी नहीं स्टिंकी, तेरे पैर दिखते नहीं क्या, पोछा लगा रही हूँ सीधा अंदर घुसे जा रहा है। क्या भड़क रही है मेघना, दोबारा से मार ले। दोबारा मारूं? अच्छे से पोछा मार। यार मेघना तो शादी से पहले कितनी सही थी यार, पूरा कमरा अकेले ही साफ कर लिया करती थी और अब। वैसे शादी से पहले ना तू भी क्यूट टेडी बियर जैसा लगता था, ये तो रहने के बाद पता चला कि तू तो जंगली भालू जैसा है जिसको सफाई तो छोड़ो सालों तक नहाने के लिए ना बोलो तो वो भी ना करे। मेघना ये तो है ना रात को सोना तेरे साथ बेड पे, वरना अभी तक तो ना हिटलर के भतीजी घोषित कर चुका था मैं तेरे को। डायलॉग बाजी हो गई हो ना तो अच्छे से सफाई करके आ जियो। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या मैं? कहाँ हो गया? अरे कुछ नहीं भाई, अपनी लकी किस्मत के ट्रॉमा के नॉस्टैल्जिया को ना एंजॉय कर रहा था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, आज के दिन संभाल लियो यार भाई प्लीज। सैटरडे को है ना शराब का पूरा खर्चा विद स्नैक्स तेरी तरफ से। क्वार्टर कर दी ना गुलाटी तूने, छोटी बात भाई पूरा खंबा पिलाऊंगा खंबा, तू ही तो जो ऑफिस की सारी गॉसिप्स मेरे को देता है। चल बेटा गुलाटी, जब किस्मत में लेने के बजाय देने ही लिखा है ना तो ढंग से ही देते हैं फिर। अरे हाँ मम्मी सब ठीक है, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती पर संस्कार भी कोई चीज होती है। हाँ हाँ मम्मी, गुलाटी की मम्मी रोज प्रेशर डालती है माँ बनने पे। ओए कुछ अर्जेंट नहीं है मम्मी लेकिन मैं फिर भी फोन रखती हूँ। हाँ गॉसिप करने के लिए फोन करते रहना, बाय बाय। और कैसी हमारी प्राइवेसी डिस्ट्रॉयर, आई मीन मेरी सास। वो भी डायरेक्टली ना यही पूछ रही थी क्या कि दामाद जी से होता नहीं है या उनको आता नहीं है। वो शायद ना भूल रही है, जिसे वो नया नया शुभम गिल समझ रही है ना वो इस खेल का पुराना द्रविड़ है जो पहले भी टिका हुआ था और आज भी टिका हुआ है। टिकने से याद आया, तेरी मम्मी ने ना दूध भेजा है, इसको पी ले नहीं तो खामा का फिर मैं कुछ सुनूंगी। दूध तो बड़ा बच्चों पीते हैं, प्रो तो सीधा अटैक करते हैं। पी ले वैसे भी सुट्टा फूक फूक के ना तेरा स्टैमिना लो हो गया। तुझे कैसे पता मेरा ना सुट्टा पीता हूँ, और मैं तो जब पी के आता हूँ तो माउथ फ्रेशनर या शहनाई खा के आता हूँ ना, और सुट्टा तो वैसे भी मैं लंच में पीता हूँ यार। क्योंकि ये बहू भी कभी सुटेरी थी, अब सुट्टेबाजी सुट्टेबाज को जानता है। आई थिंक मुझे पीना ही पड़ेगा। Sometimes I hate जब तू बॉसी बन जाती है। But I love it. I love it too, baby. और अगर तुम ना होती ना मेरी जिंदगी में तो मैं तो लोनर वर्जन ही मर जाता। आज मौसम बेईमान है बड़ा। क्या बढ़िया दिन निकला ना मेघराज। सेटल कमेंट, तुझे पक्का मुझसे कुछ चाहिए ना? मेघरा कितना अच्छे से जानती है ना तू मेरे को। मतलब कुछ चाहिए भी होगा तो मैं धीरे धीरे उस पर आऊंगा ना, डायरेक्ट मुद्दे पे थोड़ी ना आऊंगा। पहले मैं इधर उधर की छोटी मोटी बातें करूंगा। देखो पक्का पार्टी में जाना है ना रात को? मेघना इसके जवाब में मैं जैसे ये कहना चाहूंगा कि जिसकी इतनी सुंदर और सुशील बीवी हो वो बाहर पार्टी पे क्या ही करना जाएगा। और वैसे भी पार्टी पे जाने के लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट का वारा है ना मेरे पास। कितना हरामी है ना तू। अब बिल्डअप मत कर, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू मेरे से फिर से पोछे लगवाएगी। देख वैसे तो अंदर से मेरी बड़ी जल रही है, लेकिन फिर भी मैं काम और कंपोज होके मेघना तेरे से ये पूछना चाहूंगा कि तेरे एक्स ने पिछले 4 साल की मेमोरी आज क्यों शेयर करी है? He is just a friend, लेकिन तेरी हरकतें देखने के बाद लगता है कि काश मैं उसी से शादी कर लेती। मेरी नाजुक सी मेल ईगो पे पत्थर मार के बहुत मजा आया होगा ना तेरे को। ब्लॉक कर दे उसको। तू जब ओवर पोजेसिव और जेलस होता है तो कितना क्यूट लगता है। ऐसा तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है, लेकिन एक फेक एक्स गर्लफ्रेंड की स्टोरी तेरे को सुनाई देता हूँ। चोमू कम लगूंगा ना। सेटल जोक, बच गई बेचारी तुझसे शादी करने से। थोड़ा सा हंस देता हूँ, कूल लगूंगा। वैसे कूल कम फूल ज्यादा लग रहा है। जाए वो करने दे। जानवर। मेघना चाय बना रही हो? मम्मी जी आप अंधी हो ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी, मैं शर्माते हुए कहूंगी जी मम्मी जी। शर्म लाज हया सब औरतों का गहना है। अब मैं संस्कारी बात नहीं करूंगी तो बड़ी कैसे लगूंगी यहाँ। सही कहा मम्मी जी। वैसे आपके लाड साहब उठ गए? अरे भाई वो तो नहा धो के टीवी देख के तब आएगा ना, पर मैं तो तुझे ही कहूंगी ना कि तू रोज सुबह मेरे गुल्लू को लेट कर देती है। कैजुअल सेक्सिज्म, सो क्यूट मम्मी जी। अब फालतू टाइम पास कर रही हूँ ऐसा ना लगे, फिर भी 1-2 सवाल पूछ ही लेती हूँ। जैसे चाय में पत्ती, चीनी, अदरक काटा कि नहीं काटा? रोज सेम ही सवाल मिलते हैं आपको मम्मी जी करने के लिए। सासू ना। नाश्ते में क्या बनाया? पोहा। पोहा? हाँ भाई पोहा तो तुम अच्छा बना लेती हो, लेकिन क्या करूँ ताने मारे बिना ना मुझे चैन नहीं आता। तुम ऐसा करना पोहे में ना नमक अच्छे से देख लेना। हाँ मेरा बस चले तो मम्मी जी आपकी चाय में भी नमक डालूं। मेघना नाश्ता। लगता है मेरा मैन चाय नहा लिया, मैं उसे कपड़े देकर आती हूँ, तू नाश्ता बना ठीक है? मेघना नाश्ता। जल्दी जल्दी जाने की एक्टिंग करती हूँ ताकि इसे लगे मैं बिजी हूँ। देख वैसा तो मुझे पता है कि अभी तेरा भी ऑफिस है और तू आजकल ओवर टाइम भी कर रही है रात को, लेकिन फिर भी मेघना मेरा गुस्सा करना तो बनता है ना, और मेरा ये भी पूछना बनता है हर रोज की तरह और वही ओल्ड एज घिसा पिटा सवाल मेघना कि तूने नाश्ते में क्या बनाया? कौन के अंधे दिखता नहीं क्या पोहा पड़ा है। और वैसे भी कल रात को तेरी मम्मी ने कहा था बेटा पोहा बना लेना। वैसे पोहा देख के मेरा सड़ा हुआ चेहरा तो बन ही जाता है, और मन में तेरे को 4 गालियां मैं तेरे को वैसे भी दे रहा हूँ, और अब मैं देख कैसे गुस्से में अपना बैग उठाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और मैं भी गुस्सा करूंगी और तुझे 4 गालियां दूंगी। अब गुस्से में मैं तुझे डांटूंगी, जबकि मुझे पता है कि गलती मेरे लाल की है। पर मैं भी ये डांट अवॉइड करते हुए ना पैनिक होके ये कहूंगी मुझे ना मम्मी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ। एक चुभने वाला ताना तेरे रात को देर से आने के लिए। देख 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 वैसे 1000 बार मैं सुबह से पूछ चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ एक्साइटमेंट का कीड़ा तो मेरे अंदर है ही, तो इसलिए एक आखिरी बार पूछ ही लेता हूँ। गुलाटी तेरा पार्टी का सीन ऑन है ना? तेरे को पता है ना साले, तो मैं अपनी बीवी से कलेश करके आया हूँ और 40 बार तो तू मेरे को सुट्टा ब्रेक पे ले जा चुका है। देख मैं वही घिसी पिटी ओल्ड स्कूल लाइन बोलूंगा, टेंशन मत ले, दारू पी, दारू ही हर मर्ज की दवा है, ताकि तू ही अपनी दारू का बिल फटवाए। हाँ हाँ तेरी आंखों में दारू की तड़प देखकर और तेरे सरकाज़म से मैं समझ ही गया था कि तेरे को क्या चाहिए। हाँ ठीक है साला, आजा थोड़ी सेक्सिस्ट बातें करते हैं फीमेल कलीग्स के बारे में। थोड़े से मना करने वाले ड्रामे तो मैं भी करूंगा ना। चल ना ब्रो, अब प्लीज को 1000 बार गंदी आवाज में मैं भी बोलूंगा ताकि तू मान जाए। यार ये आजकल के नल्ले बेरोजगार चप्पल चोर हस्बैंड को लगता है कि वो पठान के शाहरुख खान है, ताकि कोठी बंगले वाली लड़कियां समझे कि वो कोठी बंगले वाले लड़के हैं। हाँ तुझे फ्री की जो गॉसिप मिलेगी, मुझे इस चीज का सॉल्यूशन पता है, लेकिन मैं फिर भी बार बार तुझे वही बात बता के ना तुझसे सॉल्यूशन मांगूंगी और अपने लविंग कम केयरिंग कम स्टूपिड हस्बैंड को ना गलत बोलूंगी। अब मैं बोर हो रही हूँ और इस टॉपिक को ज्यादा खींच नहीं सकती, तो मैं धीरे से बोलूंगी कॉल यू लेटर बाय। और कभी कभी ना खुद के सर पे खुद गोली मारने का मन करता है। पता नहीं मैंने क्यों इस हफ्ते ओवर टाइम ले लिया और लेट हो जाएगा। मम्मी जी को फ़ोन करके बोल देती हूँ, वरना फिर वही आजकल की बहुओं वाले ताने सुनने को मिलेंगे। अब बातें मत घुमा, जल्दी से बोल क्या चाहिए। वैसे मुझे पता है मम्मी जी आपको एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए और आपका पोता अच्छे स्कूल में जाए फ्यूचर में, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा और मैं इसका ब्लेम बॉस को करूँगी। हा 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 हा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, पितृसत्ता के जाल से कोई नहीं बच सका है। अब मैं मॉडर्न बन के फेमिनिज्म की बात करूँगी कि औरतों को मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, औरत और मर्द एक समान है। अब जल्दी से ना मेहनत कर और एक बच्चा पैदा कर, ताकि ऐसा बहाना बनाने की ना आगे जरूरत ना पड़े। सही बात है मम्मी जी, हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया और मैं आपकी सारी ट्रिक्स को ना अच्छे से समझ गई हूँ। फिर भी मन की थोड़ी भड़ास निकालने के लिए मैं आपके लाल की बेइज्जती तो जरूर करूँगी। हाँ, और मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए तेरे पापा जी के पुराने किस्से सुनाऊंगी। वैसे बॉस नहीं आ रहे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मम्मी जी कि बहुत सारे फोन रखती हूँ। कितनी बहाना बनाती है। आ गए तुम? नहीं, मेरा भूत आया। अब मैं खड़ा हूँ तेरे सामने मेघना, दिख नहीं रहा तेरे को। ये कैसे बात कर रहा है, तू पी के आया है? हाँ, नहीं पी के आना था, प्रॉब्लम है। बाहर सोफा लगा है, यही सो जाइयो, ठीक है? गुलाटी, पता है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन तू ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ। एटलीस्ट तू तो घर जल्दी आ जा, मम्मी के साथ रह ले। मेघना, ये बात तो मैं भी तेरे को बोल सकता हूँ, 1 हफ्ते से तू भी रात को लेट आ रही है। तू ना शायद भूल रहा है, मैंने तुझे बताया था कि इस वीक मेरा ओवर टाइम है। ओवर टाइम मेघना, तू अपना ऑफिस का करती है, अपना बॉस का करती है। जब देखो बॉस अच्छा, बॉस ये, बॉस वो, बॉस इतना हेल्दी है, फिट है, योगा करता है, जिम जाता है। बॉस नहीं है, वो बॉस है, ठीक है? तू कहना क्या चाहता है कि मैं तुझे चीट कर रही हूँ? मैंने नहीं बोला मेघना, तूने बोला है। और बिना के ना धुआं नहीं निकलता मेघना। गुलाटी, आज ना तूने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं ना तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। हम तो मरे जा रहे हैं देखने के लिए। गए क्यों तो जिए क्यों, ओवर टाइम ऑफिस में कर रही है बॉस का। मेघना, मेघना खाना। मेघना को मिलाती हूँ। हेलो मेघना। हाँ मम्मी जी। अरे आज ना नारायणा होटल में ना किट्टी पार्टी है, तो तू ऑफिस से ना सीधा वहीं पहुंच जाइयो। अरे मम्मी, मगर मैं तो कैब से आ रही थी। चलो ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। चलो, इसका तो हो गया। अब गुल्लू को। अरे तू ऐसा करियो, जब शाम को आएगा ना वो डायमंड ड्राइक्लीन वाला है ना, उससे कपड़े लेता आइयो। ठीक है मैं। हाँ ठीक। हेलो। हाँ बेटा। अरे मम्मी, ड्राई क्लीन वाला तो मना कर रहा है कि कोई कपड़े नहीं है। अच्छा, नहीं दिए? अरे तुझे तो पता है ना बेटा मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। परसों दिए होंगे। अच्छा चल छोड़, तू ऐसा कर, नारायणा होटल के बाहर से ना मेघना को पिक कर ले, उसे कैब नहीं मिल रही है। ठीक है। और हाँ, आते समय ना मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आई हो। ठीक है? ठीक है, ठीक है। खाना खाया? खा लिया था। तूने? खाया था। ऑफिस कैसा रहा? ठीक ठीक। तेरा? जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा। तो याद है हमने कॉलेज में इस गाने में परफॉर्मेंस दी थी। हाँ, और तुझे याद है इस फंक्शन में राहुल भी गिर गया था। भैया एक चॉकलेट फीस दे दो और एक चॉकलेट कॉर्नेटो। ठंड में आइसक्रीम कौन खाता है? देखना आइसक्रीम खाने का मजा ना ठंड में ही है। कितने? तेरा मूड ठीक है मेघना तो मेरे को एक प्रॉपर अपॉलोजाई करने दे। मुझे पता है कि उस दिन मैंने तेरे साथ बदतमीजी करी, रात को भले ही गलत तरीके से बात करी और मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और रात को दारू पी के तो आना ही नहीं चाहिए था, बियर पी के आना चाहिए था। अरे मतलब नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं गुलाटी, तू देर आया पर दुरुस्त आया। खैर छोड़। छोड़ क्या मेघना, बोलना मैं सुनता रहूँ। देख गुलाटी, मुझे तुझसे ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा सपोर्ट चाहिए। जैसे क्रिकेट में सचिन के लिए सहवाग, विराट के लिए सूर्य कुमार, बस ऐसी ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप चाहिए मुझे तुझसे, जो प्रॉब्लम्स को डिवाइड करे और हैप्पीनेस और पीस को मल्टीप्लाई कर दे। तूने बोल दिया ना मेघना, समझ हो गया। अब से मैं तेरे साथ ना हर तेरे काम में हाथ बटाया करूंगा। तू खाना बनाएगी तो मैं बर्तन धो दिया करूंगा, और तू ओवरटाइम करा करेगी तो मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करूंगा। आखिर मम्मी के साथ भी कोई होना चाहिए ना जो तेरी पोहे की बेइज्जती करे, उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे तुझे कैसे पता चला मैं आऊं? मम्मी ने बताया, और मम्मी ने ही मुझे किटी पार्टी के लिए यहाँ भेजा। मम्मी यार। और अंदर से चार गालियां मैं तेरे को ऑलरेडी दे ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि मेरा अगला डायलॉग क्या है। जानवर। अभी बाद में आइयो। हाँ तो मैं तो बैठा हूँ ना, वेट कर रहा हूँ तेरी। क्या देती है? सही था। अरे मैं तो पूरा बोलना, पूरा लेवल। तेरी खुद की लव मैरिज हुई है ना, मुझे क्या अंदर है बे? फिर से तू ही तो यार जो मुझे पूरी ऑफिस ही ऑफिस। तेरी खुद की लव मैरिज हुई है ना, मुझे क्या अंदर है बे? आ रहा हूँ। क्या था बहनचोद? चल सन्नी दोबारा से खोलियो। ठीक है, बॉस ने भेजा सारे डाटा की पीपीटी और एक्सेल शीट बना दियो और भेज दियो भाई ईओडी। क्यों करा? चलना ब्रो, थोड़ी सक्सेस बातें करते हैं फीमेल कलीग्स के बारे में। देख थोड़ा सा मने करने के ड्रामे तो मैं भी करूंगा। इसके बाद डायलॉग चलना ब्रो, ये चलना ब्रो। तभी मैं कहूँ भूल गई लास्ट सासू ना, और फालतू टाइम पास कर रही हूँ ऐसा ना लगे। क्यों और वैसे भी रुक जा, डाइनिंग टेबल पे काटा। और वैसे भी कान गंदे से लेना। चल क्या आदमी है ये? हमारे अच्छे फ्यूचर और आपका पोता अच्छे फ्यूचर में स्कूल में पढ़े, अच्छे फ्यूचर में। लाइट गई 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 कि वो ना। अरे यार ये आजकल के नल्ले बेरोजगार हस्बैंड को तलके ताकि कोठे बंगली वाली लड़कियां समझे कि वो कोठे बंगले वाले लड़के हैं, कि कोठी बंगली वाले लड़कियों को लगे यार मुंह पे आई नहीं। अरे यार ये आजकल के नल्ले बेरोजगार चप्पल चोर हस्बैंड को लगता है कि वो पठान के शाहरुख खान है। यार सही तो था। अरे यार ये आजकल के नल्ले। वैसे से ऑफिस और घर का काम मेरे पास दिए, ये चला ले पहले आएगा। अरे सॉरी तो अब लास्ट का दे, वो दे मम्मी। क्यों दे दूं? चल मम्मी क्यों? चल नहीं क्यों? ऐसा तो मेरे को टाई बांधनी आती है। सही से बांधना, सही से बांधना। मेघना क्या कर रही है जैसे कि वो बांधती है काजोल। इधर आके खड़ा हो। एक तो खड़ा कैसे समझ नहीं तो आ रहा। इधर आना तू। लो आ गई। कौन? फरीदा जलाल। मेरे को नहीं याद ना तो पढ़ लेती ना, लेकिन फिर भी मैं सीधा मुंह हिला रहा हूँ ताकि ये ऑकवर्ड सिचुएशन से मैं निकल सकूं। ऐसा ही था ना कुछ। थोड़ा हंस देता हूँ, फूल कम लगूंगा ना। नहीं कूल कम लगूंगा। भैंचोद कूल कम लगूंगा। कूल लगूंगा। काम करना वहाँ जाके बोल रहे, यहाँ भी क्यों बैठा है? क्या था? एक मिनट तो याद नहीं रहता। मुझे याद था, मैं इसकी हरकतों पे भूल गई भाई। अरे मार के चली जाती था। तूने कौन बोलेगा? अब कौन से जन्म में बोलेगा? अरे इसी जन्म में बोलेगा यार। पागल मत कर यार, बार बार कट कर दे बस।